तो दोस्तों, जहां एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर एनिमल फिल्म दिन पे दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान के डंकी और प्रभास के सलार ने भी एडवांस बुकिंग में सबको पछाड़ दिया है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे एनिमल के 11 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, वहीं प्रभास की सलार और शाहरुख खान की डंकी के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, तो विक्की कौशल की शाम बहादुर के भी 11 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे इन सभी फिल्मों ने दुनिया भर से कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन चारों फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें पिछले हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्म शाम बहादुर के बारे में, तो भैया शाम बहादुर को भी सिनेमाघरों में आज हो चुके हैं 11 दिन। और सबसे बेस्ट बात क्या है कि एनिमल जैसे एक बड़े तूफान के सामने में भी शाम बहादुर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी बढ़िया कमाई की, और फिल्म का जितना बजट था उससे कहीं ज्यादा कलेक्शन ये फिल्म वर्ल्ड वाइड मार्केट में कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मेघना गुलजार के डायरेक्शन में बनी फिल्म शाम बहादुर, जिस फिल्म में विक्की कौशल हमें देखने को मिले थे, और फिल्म का बजट था 55 करोड़ रुपए। बात करें फिल्म के 11 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, दोस्तों शाम बहादुर फिल्म ने शुरुआती 10 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 58 करोड़ का किया था, वही ये फिल्म आज यानी कि अपने 11वें दिन लगभग 2 करोड़ रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों, शाम बहादुर का 11 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 60 करोड़ का हो रहा है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 71 करोड़ 50 लाख रुपए। बता दो दोस्तों, फिल्म ने अभी तक ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 9 करोड़ 50 लाख रुपए की शानदार कमाई कर ली है। और इसी के साथ दोस्तों, शाम बहादुर का 11 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 81 करोड़ रुपए 81 करोड़ का हो चुका है। तो दोस्तों, जहां फिल्म का बजट था 55 करोड़ रुपए और फिल्म दुनिया भर में 81 करोड़ की शानदार कमाई कर चुकी है, और आने वाले कुछ दिनों में शायद यह फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर देगी। लेकिन दोस्तों, अब अगर बात करें बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म डंकी के बारे में, तो 21 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही डंकी फिल्म, जिस फिल्म में शाहरुख खान के साथ तापसी पन्नू, विक्की कौशल देखने को मिलेंगे, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बॉलीवुड के नंबर 1 डायरेक्टर राजकुमार हिरानी सर ने। बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर डंकी फिल्म की जो इंडिया की एडवांस बुकिंग है वो तो शायद आने वाले 4-5 दिनों में शुरू होगी, लेकिन इस फिल्म के विदेशों की एडवांस बुकिंग को काफी दिनों पहले शुरू कर दिया गया था, और फिल्म को विदेशों में एडवांस बुकिंग में काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात क्लियर बता दूं कि यह फिल्म विदेशों में भी अभी पूरी तरीके से एडवांस बुकिंग को शुरू नहीं कर पाई है, लिमिटेड बुकिंग शुरू हुई है, और लिमिटेड बुकिंग में ही फिल्म को जो रिस्पॉन्स मिला है वो काफी कमाल का है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि डंकी फिल्म ने अभी तक सिर्फ यूएसए से $110,000 की बुकिंग की है, वही ऑस्ट्रेलिया से $126,000 की, और यूके से $41,000, वही यूएई से $23,000, और जर्मनी से $35,000, और बाकी बचे देशों से लगभग $62,000। यानी कि दोस्तों, डंकी फिल्म के अभी तक ओवरसीज मार्केट से टोटल बुकिंग $3,97,000 की हुई है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 3 करोड़ 31 लाख रुपए बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को रिलीज होने में जहां अभी 10 दिन बाकी है, लेकिन फिल्म अभी से ही विदेशों में 3 करोड़ 31 लाख रुपए की बुकिंग कर चुकी है। वही दोस्तों, बात करें पेन इंडिया फिल्म सलार के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रशांत नील ने, और इस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे पेन इंडिया सुपरस्टार प्रभास। बता दे दोस्तों, डंकी और सलार एक दिन की गैप में रिलीज होगी, लेकिन यहां पर सलार की जो एडवांस बुकिंग है वो शाहरुख खान के डंकी से कहीं ज्यादा हो चुकी है। हालांकि सलार फिल्म की एडवांस बुकिंग विदेशों में काफी दिनों पहले शुरू हुई थी, डंकी से भी पहले, इसी के चलते यहां पर सलार का जो ओवरसीज का एडवांस बुकिंग कलेक्शन है वो शाहरुख खान के डंकी से कहीं ज्यादा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सलार फिल्म ने अभी तक यूएसए से एडवांस बुकिंग में $6,85,000 की बुकिंग की है, वही ऑस्ट्रेलिया से $1,43,000 की, और यूके से $1,95,000, वही बाकी कुछ देशों से फिल्म की बुकिंग $71,000 की हो गई है। यानी कि दोस्तों, प्रभास की फिल्म सलार की जो ओवरसीज से टोटल एडवांस बुकिंग है वो $10,94,000 की हुई है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 9 करोड़ 15 लाख रुपए होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सलार के लिए रिलीज डेट में अभी समय बचा है 11 दिनों का, और फिल्म अभी से ही एडवांस बुकिंग में 9 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है।
हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि सलार फिल्म की जो इंडिया की एडवांस बुकिंग है वो शुरू होने वाली है 15 दिसंबर को। तो आप देखते हैं कि सलार और डंकी दोनों ही फिल्में जब रिलीज होगी तो इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ओपनिंग लेती है। वही दोस्तों अंत में अगर बात करें इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनी एक्शन पैक्ड फिल्म एनिमल, जिस फिल्म में सुपरस्टार रणबीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर देखने को मिले थे। बता दो दोस्तों यहां पर एनिमल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ ली थी। वही फिल्म के पहले हफ्ते के कलेक्शन भी काफी शानदार रहे, लेकिन दोस्तों फिल्म ने दूसरे हफ्ते में तो पूरी तरह से चौंका दिया, क्योंकि यहां पर एनिमल फिल्म का जो दूसरा वीकेंड है वो इंडियन सिनेमा का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला बना है। और एनिमल फिल्म ने अपने दूसरे वीकेंड की कमाई के मामले में बाहुबली, केजीएफ और बड़ी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। यहां तक कि शाहरुख खान की पठान और जवान भी दूसरे वीकेंड में जितनी कमाई नहीं कर पाई थी उससे ज्यादा का कलेक्शन एनिमल का दूसरे वीकेंड में रहा। लेकिन बात करें एनिमल के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, 5 भाषाओं में रिलीज हुई फिल्म एनिमल ने अपने पहले हफ्ते के अंदर यानी कि 7 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 338,63,00,000 रुपए का किया था। वही दोस्तों फिल्म ने अपने 8वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन 22,95,00,000 रुपए का किया। 9वें दिन यानी कि दूसरे शनिवार फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 5 भाषाओं से 34,74,00,000 रुपए का रहा। तो फिल्म ने 10वें दिन यानी कि दूसरे रविवार बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से तबाही कलेक्शन किए हैं। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का 10वें दिन का इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 47,00,000 की रेंज में रहा। अब बात करें इस फिल्म की आज यानी कि 11वें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आज है मंडे, वर्किंग डे, साथ ही साथ फिल्म के टिकट रेट्स भी आज से ड्रॉप हो चुके हैं, जिसके चलते यहां पर एनिमल के कलेक्शन में आज एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। फिल्म के मॉर्निंग वाले शोज में जो ऑक्यूपेंसी मिली वो 17-18% की रही। वही फिल्म की इवनिंग नाइट शोज की बुकिंग भी कल के मुकाबले काफी ज्यादा नीचे जा चुकी है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक एनिमल फिल्म अपने 11वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 17,00,000 का। और इसी के साथ दोस्तों रणबीर कपूर की एनिमल का शुरुआती 11 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 460,32,00,000 रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 550,00,000 रुपए। बता दें दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 196,00,000 रुपए कमा लिए हैं। और इसी के साथ एनिमल का 11 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 746,00,000 रुपए का हो चुका है। जी हां दोस्तों एनिमल फिल्म 11 दिनों के अंदर दुनिया भर में लगभग 750,00,000 के आंकड़े के करीब आ चुकी है। और इतना तो कंफर्म है कि यह हफ्ता खत्म होते होते फिल्म दुनिया भर में 800,00,000 रुपए से ज्यादा की कमाई कर जाएगी। लेकिन दोस्तों सवाल वही आता है कि क्या एनिमल फिल्म 1,000,00,000 क्लब में एंट्री ले पाएगी या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, एनिमल फिल्म 1,000,00,000 तक की कमाई करने में कामयाब होगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।